हेलो किड्स, वेलकम वंस अगेन। टुडे आवर टॉपिक इज द स्टोरी हियर एंड द टॉर्टोइस। रिमेंबर दिस स्टोरी, दिस इज आवर हियर एंड दिस इज आवर टॉर्टोइस। याद है हमने इंग्लिश में स्टोरी करी थी हियर एंड द टॉर्टोइस, जिसमें उन्होंने रेस लगाई थी और कौन विनर हुआ था? टॉर्टोइस, है ना। वो स्लो रनिंग करता था बट फिर भी वो विनर हुआ था क्योंकि उसने कंटिन्यूसली अपना वर्क किया था, रिमेंबर। तो इस स्टोरी को मैम ने आज फिर से आपको रिवाइज कराना है विद एक्शंस। आज हम लोग एक्शंस के साथ रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सबसे पहले आपने गुड मॉर्निंग बोलना है, उसके बाद स्टोरी का नेम बताना है। गुड मॉर्निंग, द नेम ऑफ माई स्टोरी इज हियर एंड द टॉर्टोइस। Once there were two friends, the hare and the tortoise. They lived in a jungle. One day, they planned to run a race. The hare was very fast, but the tortoise was very slow. The hare ran very fast, but the tortoise ran very slow. The hare thought that I will win the race, and he slept in the midway. The tortoise ran continuously. He saw the hare sleeping in the midway, but he crossed the tortoise and won the race. Moral of the story is slow and steady wins the race. देखा आपने इस स्टोरी में, जो हेयर था उसने देखा कि मैं तो बहुत फास्ट भागता हूँ, मैं तो टॉर्टोइस को फटाफट से हरा दूंगा। इसलिए उसने क्या देखा कि जो टॉर्टोइस है वो तो बहुत पीछे रह गया है, मैं तो जीत जाऊँगा, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने आलस किया ना। तो हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, लेजी नहीं होना, अपना वर्क कंटिन्यूसली करना है, जैसे टॉर्टोइस कंटिन्यूसली वर्क करता रहा है ना, तभी तो विनर हुआ ना वो। उसने एक दिन भी लेजीनेस नहीं दी, एक बार भी वो लेजी नहीं हुआ, वो कंटिन्यूसली अपना वर्क करता रहा। इसी तरह आपने भी अपना जो स्कूल का वर्क करता है या घर पे भी आप कोई वर्क करते हो, उसको कंटिन्यूसली करना है ताकि आप लोग भी विनर हो जाओ। ओके, अब मैम ने आपसे इस स्टोरी के 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर टू फ्रेंड्स, कौन कौन टू फ्रेंड्स थे? द हेयर एंड द टॉर्टोइस वर टू फ्रेंड्स। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, हु रैन वेरी फास्ट, कौन भागता था स्टोरी में वेरी फास्ट? द हेयर रैन वेरी फास्ट, वेरी गुड, सबको पता है द हेयर रैन वेरी फास्ट। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, हु वन द रेस, कौन था रेस का विनर? द टॉर्टोइस वन द रेस बिकॉज ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। टॉर्टोइस था ना विनर रेस का, क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया था। तो आपने भी लाइफ में इसी तरह हार्ड वर्क करना है, तभी आप लोग भी विनर होंगे। ओके बेटा। यस बेटा, इन आवर मैथ्स क्लास टुडे वी विल डू नंबर 5। दिस इज नंबर 5। नंबर 5 आपको रेकोगनाइज कराने से पहले मैम आपको कुछ राइम सुनाएंगे। एक इंग्लिश राइम करेंगे, एक हिंदी राइम करेंगे, नंबर राइम्स। Let's start the rhymes. 1, 1, 1, rabbits on a run. 2, 2, 2, cow says moo. 3, 3, 3, birds on a tree. 4, 4, 4, lions roar. 5, 5, 5, bees in a hive. तो एंजॉय किया आपने राइम को, और साथ में हमने नंबर्स भी सीखे। कौन कौन से नंबर? 1, 2, 3, 4 एंड नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है नंबर 5। तो मैम आपको हिंदी राइम करवाने लगे हैं। हिंदी राइम में आपको और भी एंजॉय करोगे आप लोग।
लेट्स स्टार्ट द राइम। पांच छोटी चिड़िया खाती थी अनार, पांच छोटी चिड़िया खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी रह गई चार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी रह गई चार, चार छोटी चिड़िया बजाती थी बीन, चार छोटी चिड़िया बजाती थी बीन, एक चिड़िया उड़ गई बाकी रह गई तीन, तीन छोटी चिड़िया ढूंढ रही थी मुझको, तीन छोटी चिड़िया ढूंढ रही थी मुझको, एक चिड़िया उड़ गई बाकी रह गई दो, दो छोटी चिड़िया खाती थी के, दो छोटी चिड़िया खाती थी के, एक चिड़िया उड़ गई बाकी रह गई एक। देखा हमने कितने अच्छे से नंबर रिवाइज किए, नंबर वन से लेके नंबर फाइव तक सारा रिवाइज कर लिया है ना। अब मैम बोर्ड पे भी आपको नंबर फाइव लिखना सिखाएंगे। डाउन एंड राउंड एंड ओवर द टॉप टू मेक नंबर फाइव, डाउन एंड राउंड एंड ओवर द टॉप टू मेक नंबर फाइव, वंस अगेन डाउन एंड राउंड एंड ओवर द टॉप टू मेक नंबर फाइव। इसी तरह आपने फुल पेज में मैम को अपना नंबर फाइव लिख के दिखाना है। अभी मैम आपको नोटबुक में भी लिख के दिखाती है और आपने साथ साथ में अपना नंबर सॉन्ग भी रिवाइज करते रहना। अभी तक हमने नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव तक कर लिया है, ये भी साथ साथ लर्न करना है। अब हम नोटबुक पे लिख के देखें नंबर फाइव कैसे लिखते हैं। बेटा सबसे पहले आपने ऊपर पेज नंबर लिखना है, उसके आफ्टर आपने डेट लिखनी है। आज कितनी डेट है? 30th 7-20। डेट लिखने में आपके मम्मा आपकी हेल्प करेंगे, बट मम्मा लिख के नहीं देंगे, लिखना आपने खुद है, ओके। उसके बाद आपने 10 and 1s लिख के वंस के नीचे आपने आज नंबर फाइव करना है। कौन सा नंबर सीखा था आज हमने? लिखना नंबर फाइव। चलिए स्टार्ट। डाउन एंड हाफ एंड ओवर द टॉप टू मेक नंबर फाइव, डाउन एंड राउंड एंड ओवर द टॉप टू मेक नंबर फाइव, डाउन एंड राउंड एंड ओवर द टॉप टू मेक नंबर फाइव। देखो जैसे मैम बना रहे हैं आपने भी ऐसे ही बनाना सीखना है और बॉटम लाइन को टच करना है। बहुत से बच्चों की वीडियोज़ आती हैं उनमें बॉटम लाइन को टच नहीं किया होता, तो आपने प्रॉपर बॉटम लाइन को टच करके बनाना है। सी वंस अगेन, डाउन एंड राउंड एंड ओवर द टॉप टू मेक नंबर फाइव, ये वाला सॉन्ग बोलते बोलते आपने नंबर फाइव का फुल पेज कर लेना है। और आपको याद है ना, टेंस और वंस के बाद आपने नेक्स्ट लाइन में डॉट लगानी है। फिर से टेंस एंड वंस, फिर इसके नीचे नंबर फाइव लिखेंगे, ओके बेटा। ऐसे आपने फुल पेज करके नीचे तक मैम को एक स्नैप क्लिक करके सेंड करनी है।